पैर पैर के नीचे आपके बोलो मत तू बोली बन जा हेलो कल स्टार्ट कितने हो गए 118 हेलो 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 आवाज़ क्लियर आ रही है रेसिपी नेम सीक्रेट हेलो 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 वॉइस वेरी लो वॉइस वेरी लो हेलो नमस्कार हेलो वॉइस इज नॉट क्लियर है क्या हो रहा है वैसे ठीक है
हेलो नमस्कार, माय नेम शेफ जेठू राठौर, ओनर ऑफ जोधपुर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दही का कबाब। दिस नेम दही का कबाब। दही का कबाब के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, और अब हम दही का कबाब बनाएंगे। कैसे वो प्रोसेसिंग अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज अपन सबसे पहले डालेंगे ऑनियन, चॉप ऑनियन। यह हाफ ऑनियन है। ऑनियन के बाद ऐड करेंगे चॉप, फाइनली चॉप ग्रीन चिली। फाइनली चॉप जिंजर। दही कबाब राजस्थान का एक बहुत अच्छा कबाब है, एंड कोरिएंडर चॉप। ये अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स। अब अपन ऐड करेंगे इसमें हैंकर्ड। एंड मिक्स। सबका एक अच्छा सा एक मिक्सर बनाएंगे, जैसे मैं मिक्सर बना रहा हूँ, सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपन इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, जरा सा स्लाइटली रेड चिली पाउडर, शुगर 1 स्पून, टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला। एंड मिक्सिंग। फायर ऑन कर लीजिए तेल का। ऑयल लेंगे कढ़ाई के अंदर, उसका फायर ऑन कर लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूँ रोस्टेड चना पाउडर। 2 चम्मच मैं रोस्टेड चना पाउडर इसमें ऐड करूँगा। फिर उसका वापस एक बार मिक्स कर लेंगे अपन, तो एक अच्छे से एक डो तैयार हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि डो एक तैयार हो चुका है। दही कबाब बहुत बनते हैं, बहुत सारे शेफ्स की अलग अलग रेसिपी है, तो हमारी थोड़ी हटके है, स्पाइसी, स्वीटी, ऑल टाइप्स के फ्लेवर्स एंड टेस्ट इसके अंदर रहेंगे। इसके साथ ही अपन कॉर्नफ्लोर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डालेंगे एक प्लेट पे, 2 3 स्पून, एंड ऐड ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब एंड मिक्सिंग। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम थोड़ा और ले सकते हैं, ये इसको क्रिंची करेगा, क्रिस्पी। ये अपना तैयार हो चुका है, और अब इसे एक बाउल में डाल लेंगे। मिक्सर रेडी हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे पीसेज बनाएंगे। जो अपन ने बैटर बनाया है, एंकर, ग्रीन चिली, चिली,
इसके ऐसे करके आपको चार पीसेस बनाने हैं, 4x6 जितने आप चाय बना सकते हैं। मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, आप छोटे साइज का पीसेस बना सकते हैं। अब इसको इसके अंदर डालना है जो अपन ने मिक्सर बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है, जैसे कि मैंने अभी कोटिंग कर चुका हूँ इसकी। मेरे दोनों हाथों के बीच आ जाएगा ये इस तरह से, फिर मैं इस तरह से इसका एक कबाब बनाऊंगा। जैसे ये पीस बन चुका है, देख पा रहे हैं आप लोग, छोटा सा प्यारा सा पीस बना है। तो फिर मैंने लिया कॉर्नफ्लोर एंड मैदे का बेटर, जो मैंने गोल करके रेडीमेड तैयार करके रखा है। अब मैं इसको इसमें डीप करूंगा। डीप करने के बाद मैं इसे वापस एक बार इसमें डालूंगा। और इसी के साथ मेरा ये एक पीस तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरा पीस बना रहा ये देखिए मेरा दूसरा पीस भी रेडी हो चुका है। एक पीस में और बनाऊंगा। ये मेरा तीसरा पीस भी अब बड़ी हो गया। अब इसे अपन डीप फ्राइड करेंगे। डीप फ्राइड करने के लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म कर चुका हूँ, और अब मैं इसे डीप फ्राइड कर रहा हूँ। ये दही कभी फटेगा नहीं, मैंने कभी दिखा दी। जब तक कलर नहीं आए तब तक अच्छे से इसे फ्राई करना है। सॉरी यार वॉइस के लिए। दही का कबाब अच्छे से फ्राई हो चुका है, एकदम क्रिस्पी।
कलर भी इसका अच्छा है, अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके साथ में मिंट सॉस सर्व करूंगा। मिंट सॉस एंड स्वीट चिली सॉस, साथ में मैंने एक सॉस और बनाया है, दैट इज हैंड कर्ड। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी दही के कबाब। अब मैं इसे काट के दिखाऊंगा। तो मेरे ऊपर ले लें।